दोस्तों जो कमीशन पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊजी। ये डाइजेस्ट है इसकी फर्स्ट, ताऊजी डाइजेस्ट 1। तो ये 150 पेज ही कॉमिक्स है, तो इसके मैं कई पार्ट बना के बीच बीच में डालता रहूंगा। तो पढ़ते इसका फर्स्ट पार्ट, ताऊजी डाइजेस्ट पार्ट 1। इमारत का चोर। वह आदमी उस आलीशान इमारत को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह कितनी शानदार इमारत है, इसे तो खरीद लेना चाहिए। वह आदमी इमारत के मालिक के पास पहुंचा। माफ करना सेठ जी, मेरा नाम खटारा सिंह है, मैं आपकी यह इमारत खरीदना चाहता हूँ। यह इमारत बिकाऊ नहीं खटारा सिंह जी। माफ कीजिए सेठ जी, जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे खरीद लेता हूँ, अगर वह बिकाऊ नहीं हो तो मैं उसे चुरा लेता हूँ। सेठ ठास लगा उठा। हा हा, क्या बात कही है, मैंने इमारत नहीं बेची तो तुम उसे चुरा लोगे। माफ करना सेठ जी, नमस्ते। मेरी बात उसने हंसी में उड़ा दी। आज रात मैं इमारत को चुरा ले जाऊंगा, तब उसे विश्वास होगा कि जो कुछ मैंने कहा था वह गलत नहीं है। आधी रात को जादुई रस्सी बोल मेरा कहना मानेगी? मानूंगी। इस इमारत को बांध ले, जो आज्ञा। रस्सी मोटी होने के साथ साथ लंबी होती चली गई और उसने इमारत को बांध लिया। और खटारा सिंह रस्सी को थाम कर अपने पीछे उसके पीछे इमारत उड़ती जा रही थी। जादुई रस्सी अब उड़ा ले चल। सुबह ताऊ जी के घर पर। ताऊ जी, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। सेठ गरीब दास मेरी 50 लाख की इमारत को चोर चुरा कर ले गया। आई सेठ जी, क्या भांग पी कर आए हो? फिर रोते कलपते सेठ ने सारी बात बताई। तो ताऊ जी ने देखा, बात तो सही है, इमारत ऐसे उखाड़ गई है जैसे पौधा जड़ समेत उखाड़ा जाता है। मामला सचमुच गंभीर है। ताऊ जी कुछ करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जादुई डंडे, जाओ पता लगाओ यहाँ जो इमारत थी वह कहाँ है, जो आ गया। ताऊ जी, जादुई डंडा इमारत की खोज में निकला और जंगल में पहुंचा। यह वही इमारत, वह रही इमारत। इमारत के सामने खड़ा खटारा सिंह सोच रहा था। मजा नहीं आया, जंगल में अकेली इमारत अच्छी नहीं लगती, इमारत शहर में अच्छी लगती है, इसलिए पूरा शहर ही खरीद कर लाऊंगा। खटारा सिंह जो कुछ सोच रहा था जादुई डंडे ने अपनी जादुई शक्ति से सुन लिया। चलकर यह बात ताऊ जी को बताऊं। खटारा सिंह शहर में पहुंचा। माफ करना भाई, क्या यह शहर बिकाऊ है? लगता पागल है, चलो मजे लेते हैं इससे। हाँ भाई, बिकाऊ तो है, पर इसकी मालिक पुलिस है। धन्यवाद भाई साहब, अब पुलिस के सबसे बड़े अफसर से मिलना चाहिए। वह कमिश्नर के पास पहुंचा। माफ करना कमिश्नर साहब, मैं आपका यह शहर खरीदना चाहता हूँ। शहर लगता पागल खाने से निकल भागा है, इसे गिरफ्तार करके वापस पागल खाने भिजवा देना चाहिए। कमिश्नर साहब ने कब्जदार को पुकारा, बुलाया। सुनो, यह पागल है, इसे इसके स्थान पर पहुंचा दो, जो आ गया। क्या क्या काम है, पागल हूं? खटारा सिंह ने गुस्से से कांपते हुए अपना सीधा हाथ उठाया और मुझे पागल कहते हो? यह देखो कितनी दौलत है मेरे पास, तुम कीमत बोलो अपने शहर की। उफ, यह तो कोई जादूगर है, समझदारी से काम लेना होगा। देखो भाई, यह शहर सरकार का है, मुझे सरकार का पता बताओ। मुझे यह शहर पसंद है, मैं इसे खरीद कर आऊंगा। इस बीच जादुई डंडा ताऊ जी के पास पहुंचा। वो तो अब वह शहर खरीदने की कोशिश करेगा। मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूं। हेलो कमिश्नर साहब, एक एक सिरफिरा जादूगर शहर खरीदने आएगा, वह आ चुका ताऊ जी, मेरे सामने खड़ा है। उसे कह दो कि शहर के मालिक ताऊ जी है। ठीक है। सुनो भाई, यह शहर न मेरा न सरकार का, यह शहर ताऊ जी का, जाकर उनसे बात कर लो। तो फिर इतनी देर से क्यों नहीं बताया? बेकार में अपना और मेरा समय बेकार किया। कमिश्नर से ताऊ जी के घर का पता लेकर वह चल पड़ा। इतने सुंदर शहर का मालिक ताऊ है, जरूर वह बहुत धनवान होगा। पता ढूंढता डांटता वह ताऊ जी के घर पहुंचा। कमाल, इतने सुंदर शहर का मालिक इस साधारण से मकान में रहता है। माफ करना जी, क्या आप ही ताऊ जी हैं? जी हाँ, मैं ही ताऊ जी हूँ, इस शहर का मालिक हूँ, पर इस शहर में मुझसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं है। माफ करना जी, ठीक है, इस शहर को बेच दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा, फिर तुम सबसे बड़े धनवान बन जाओगे। क्या तुम यह शहर खरीद सकते हो? देखो मजाक मत करो। माफ करना ताऊ जी, मजाक मैं नहीं करता, तुम कीमत बोलो। कीमत बोलने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पाताल लोक का राजकुमार हूँ, वहां रहते रहते उब गया था, यहाँ रहने के इरादे से आया हूँ। मेरा नाम खटारा सिंह है,
दौलत मुंह मांगी दूंगा कि रजवाड़ा सोना चांदी या रुपए, बोलो क्या है कीमत इस शहर की। पर माफ करना, मैं तो यह कहूंगा कि तुम चोर हो, जो चीज बिकाऊ नहीं होती उसे मैं चुरा लेता हूं। तुमने अगर यह कहा कि शहर बिकाऊ नहीं है तो मैं इसे भी चुरा ले जाऊंगा। देखो शहर तो मैं बेच तो दूंगा, पर उसकी कीमत मेरी एक शर्त पूरी करके अदा की जाएगी। शर्त तब बताऊंगा जब वह इमारत उसी स्थान पर आ जाएगी जिसे तुम चुरा ले गए हो। वह इमारत तो अभी ला देता हूं। इतना कहकर खटारा सिंह चला गया और जंगल में खड़ी इमारत को रस्सी से बांधकर ले आया। इमारत को यथास्थान पहुंचाकर वह ताऊ जी के पास पहुंचा। अब अपनी शर्त बताओ, एक बार फिर सोच लो, अगर मेरी शर्त पूरी न कर सके तो तुम्हें वापस पाताल लोक जाना पड़ेगा और दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। मंजूर है? तो ठीक है, शर्त यह है कि अगर तुम मेरे इस दोस्त की दाढ़ी को नाप दो तो यह शहर तुम्हारा हो जाएगा। खटारा सिंह ने झटपट रुमझुमकी करामाती दाढ़ी पकड़ ली। तुम्हारी दाढ़ी है ही नहीं, है ही कितनी बोने, इसे तो मैं यूं ही नाप दूंगा, हा। लेकिन जितनी वह नापता दाढ़ी उतनी ही बढ़ती जाती। कमाल है, यह तो मेरी जादुई रस्सी की तरह बढ़ती जा रही है। नापी हुई दाढ़ी का ढेर ऊंचा होता जा रहा था। उफ, 1 करोड़ मीटर, थक गया मैं, 1 अरब मीटर, हफ, हाय, हार गया, मैं नहीं नाप सकता इसे। तो शर्त के मुताबिक अपने लोक में वापस चले जाओ और दोबारा पृथ्वी पर कभी मत आना। खटारा सिंह ने जमीन पर में पैर मारा, धम, और अगले पल वहां गड्ढा नजर आया, गायब, चला गया। पाताल लोक में तुम्हारी दाढ़ी की कहानी सुनाया करेगा। तभी ताऊ जी, लो मिठाई खाओ, इमारत वापस आ गई, बड़ी खुशी की बात है। पर इमारत का चोर पकड़ा नहीं गया, वो बेचारा शर्म के मारे जमीन में समा गया है। वाह, समाप्त। दोस्तों इसमें छोटी छोटी स्टोरी है, तो पढ़ते हैं अगली स्टोरी। मित्र की परेशानी। रुमझुम चलो आज पुराने दोस्तों से मिलने चले चलिए ताऊ जी। वे अपने मित्र के घर पहुंचे। मैं इसे तोड़ दूंगा आज। अरे ओह ताऊ जी, तुम क्या बात है, इस मशीन को क्यों तोड़ रहे हो? मैं परेशान हो गया हूँ। वह अपना पड़ोसी है ना, डॉक्टर आहूजा, एक नंबर का मतलब ही है, तो तुम उसे मतलब ही मत रखो। यह नहीं हो सकता क्योंकि इस मोहल्ले में वह अकेला डॉक्टर है। इसका मतलब उससे मतलब नहीं रखेंगे तो इलाज ठीक नहीं करेगा। वह मेरी इस मजबूरी को जानता है, इसलिए हर बार मेरी घास काटने की मशीन उधार ले जाता है और कुछ न कुछ खराबी करके लौटा जाता है। वह आज मशीन मांगने आएगा, इसलिए मैं उसे तोड़ रहा हूं। तुम्हें कैसे पता कि वह आज मशीन मांगने आएगा? मैं अभी उसके घर के सामने से गुजर रहा था तो मैंने उसकी पत्नी को कहते सुना था। अजी सुनते हो, आज क्लिनिक की छुट्टी है तो क्या यूं ही खाली बैठे रहोगे? जाओ मंगतराम की घास काटने की मशीन मांग लाओ और बगीचे की घास की छटाई कर दो। अच्छा जी, अभी जाता हूं। और इससे पहले कि भाई यहां आए मैं मशीन तोड़ दूंगा। ठहरो, इसे तोड़ो मत, तुम्हारा नुकसान है, मुझे दे दो। जब वे आए तो कह देना ताऊ जी ले गए। ठीक है। अरे मंगत राम जी, जरा अपनी घास काटने की मशीन देना, ताऊ जी ले गए, एक सप्ताह बाद लौट कर जाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद लो अपनी मशीन। अब वह 1 सप्ताह मशीन का इंतजार करने की बजाय अपनी मशीन ही खरीद लेगा, वरना उसकी बीवी उसके सर की घास छील देगी। ठीक कहते हैं आप। 2 दिन बाद मंगत राम का बेटा बीमार हो गया और वह उसे डॉक्टर के क्लिनिक में ले आया। डॉक्टर साहब हैं, विजिट पर गए हैं, 2 घंटे बाद आएंगे। 2 घंटे बाद मंगत राम पहुंचा तो, ओह इतनी लंबी लाइन। और जब मंगत राम की बारी आई, क्लिनिक बंद हो रहा है, अब कल आना। डॉक्टर साहब पिछले दरवाजे से चले गए। मंगत राम दौड़ा दौड़ा ताऊ जी के पास आया। ताऊ जी मैं फंस गया, डॉक्टर मेरे बच्चे को नहीं देख रहा है, उसका कंपाउंडर कोई ना कोई बहाना बनाकर टरका देता है। आओ मेरे साथ, डॉक्टर अभी घर नहीं पहुंचा होगा, चलिए, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। वो जब डॉक्टर घर के सामने पहुंचा, हैं घर गायब, मेरी बीवी बच्चे सब गायब, हाय मैं लुट गया। डॉक्टर साहब सब कुछ वापस आ जाएगा अगर तुम मंगत राम के बेटे को एक खुराक में चंगा कर दोगे। है अच्छा, ये लो खुराक। एक खुराक में ठीक न हुआ तो डॉक्टर ही छोड़ दूंगा। लो ये गई खुराक इसके पेट में।
देखा मेरा कमाल पापा, जादुई डंडे डॉक्टर साहबा घर वापस पहुंचा दो, जो आज्ञा ताऊ जी। लाओ मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, पहले कसम खाओ कि मरी चाहे तुम्हारा सात सात जन्मों का दुश्मन दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम उसे दवा दोगे, पक्का वादा। तो पीछे देखो, मेरा घर, बीवी, बच्चे, अरे पैसे तो ले जाओ, वह अब तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा, और घास काटने की मशीन तो वह उसी दिन खरीद लाया था, जैसी करनी वैसी भरनी, बस इतना गहरा काफी है मोटू उस्ताद, इसमें गिरने के बाद ताऊ मरेगा नहीं, तो कम से कम उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। अब सीढ़ी ऊपर खींच लो, और इस गड्ढे पर पतली टहनियां बिछाकर उसमें घास बिछा दो। रात भर हम दोनों बारी बारी से खुदाई करते रहे हैं और मिट्टी तालाब में फेंकते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ 10 फीट गहरा गड्ढा होगा। फिर वह दोनों झाड़ियों में छिप गए, ताऊ सुबह की सैर के लिए चल पड़ा होगा। सुबह की ताजी हवा और तालाब के किनारे के यह फूल, स्वर्ग में भी शायद ऐसी खुशबू न हो। मिट्टी, जादू डंडे, तालाब में मिट्टी फेंकी गई है, शायद आसपास कहीं गड्ढा खोदा गया है। ताऊ जी के बारे में कहावत प्रचलित है कि वह हवा को सूंघकर खतरे को पहचान जाते हैं। उधर उस्ताद मोटू ताऊ आ रहा है, और आज तो वह उसके पास जादुई डंडा भी नहीं है, यह तो और भी अच्छी बात है। जादुई डंडे की मदद से वह फौरन गड्ढे से बाहर निकल सकता था, मगर अब गड्ढे में पड़ा मदद के लिए चिल्लाता रहेगा। बस कुछ कदम और फिर उसकी चीख सुनाई देगी, खूब मजे आएंगे। शेर गुरु बचाओ उस्ताद, शेर से बस हमें ताऊ जी बचा सकते हैं, बचाओ बचाओ गुरु, ताऊ जी मैं बचाओ, हमारे पीछे शेर पड़ा है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अचानक उस्ताद चले, इन्हें खदेड़ कर इधर लाने के लिए धन्यवाद शेर जी, अब आप फिर से जादुई डंडा बन जाइए। गुरु चेले, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके उनके लिए पहले कुआं खुद जाता है। हाय मेरे तो पैर ही टूट गए, मेरे हाथ बेकार हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट वन कर रहा हूँ, इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, ताऊ जी डाइजेस्ट पार्ट टू, उसमें नई स्टोरी होंगी, तो ये यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में।